उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में पिछले 9 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। वहीं मामले को लेकर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन कर मजदूरों को बाहर सुरक्षित निकालने को लेकर चल रहे बचाव कार्य की जानकारी ली है। वहीं पीएमओ की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पूरे मामले पर ध्यान बनाए रखा है, साथ ही बचाव कार्य के लिए जरूरी मशीन और संसाधन को जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से जल्द ही सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे मामले पर पीएम मोदी ने निगाहें बनाए रखी है। अभी तक पीएम मोदी 3 बार मामले को लेकर जानकारी ले चुके हैं। साथ ही पीएमओ की तरफ से भेजी गई टीम लगातार पूरे मामले पर नजर रख रही है और राज्य सरकार के साथ मिलकर मजदूरों को निकालने के कार्य में जुटी हुई है। वहीं सीएम धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियां लगातार मिलजुल कर और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं, साथ ही उन्हें ऑक्सीजन के साथ साथ खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एक्सपर्ट की राय लेकर एजेंसियां काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने खुद मौके पर जाकर निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखे हैं। मेडिकल की टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। बता दें कि उत्तरकाशी के शिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद करीब 41 मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को पिछले 9 दिनों से रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। एक तरफ जहां 41 मजदूर जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हें रेस्क्यू करने के कई प्रयास असफल हो चुके हैं। एक खबर के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए दिल्ली से लाई गई ऑगर मशीन ने 17 नवंबर को काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद इंदौर से एक नई मशीन मंगवाई गई, जिससे अब सुरंग के भीतर 200 मीटर अंदर तक ले जाया जा रहा है। अब मलबे में सामने के बजाय ऊपर से ड्रिलिंग किया जाएगा ताकि मलबे को आसानी से हटाया जा सके।